आज का जो टॉपिक है सिट्रोइन सी फाइव एयर क्रॉस, उसका जब ब्रेक डाउन हो जाता है, जैसे इंजन में प्रॉब्लम नहीं तो बैटरी में प्रॉब्लम है, तो हमको जो पीछे का जो इसका हैंड ब्रेक दिया गया है वो ऑटो माने कि इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक दिया गया है, यानी कि उसको हमको कैसे रिलीज करना है, आज का टॉपिक वही है। व्हीकल में जब बैटरी पूरा डिस्चार्ज हो जाता है, जब ब्रेक डाउन हो जाता है, हमको कैसे ब्रेक को रिलीज करना है, आज इसमें वही प्रोसीजर हम आपको शो करेंगे। तो अभी हम जाते हैं, तो अभी एक गाड़ी में हमारा बैटरी जो है पूरा ड्रेन हो गया है। अभी हमको क्या करना है, इसके लिए 5 नंबर का एलिंग चाहिए। पहले मोटर को खोलना है, देखो यहाँ पे मोटर दिया है, यहाँ पे 5 नंबर एलिंग में इसको खोल लेते हैं। थोड़ा इसे हम गाड़ी ऊपर कर लिए, लेकिन इसमें हमको सो के करना पड़ेगा नीचे ज़मीन पे, क्योंकि कस्टमर का घर पे ऐसे नहीं रहेगा। इसमें 5 नंबर का 2 एलिंग बोल्ट दिया है। अभी ट्रेन खोल लेते हैं, इसको लूज हो गया हमारा बोल्ट साइड। अभी इसको हमको निकाल लेना है। देखो फ्रेंड, ये भी वायरिंग खोल सकते हैं हम, लेकिन हम इसको साइड में रख लेते हैं, यहाँ पे खोलेगा नहीं वायरिंग को। ये मोटर और वायरिंग ऐसे साइड में रह गया। अभी इसको हम टूल्स ला के, यहाँ पे देखो स्पेशल टूल्स दिए, इसको ला के हम घुमा के इसको लूज करेंगे। अभी देखो टायर पूरा टाइट है, अभी रिलीज नहीं है ब्रेक। फ्रेंड हमको इसको स्पेशल टूल से ये वाला T50 का लगता है यहाँ पे सकेट। अभी हम T50 सकेट को यहाँ पे लगा के इसको क्लॉक वाइज घुमाना पड़ेगा रिलीज के लिए। देखो अभी रिलीज नहीं है टायर, अभी हमको लगा के क्लॉक वाइज घुमाना पड़ेगा टाइट का पोजीशन में। अभी हम लगा दिए इसमें, देखिए अभी देखो क्लॉक वाइज में हम इसको घुमाए, अभी क्लॉक वाइज में हम घुमा रहे हैं इसको। घुमाने के बाद अभी देखो हमारा टायर रिलीज हो गया, इसका जो लॉक हो गया था हुई वो रिलीज हो गया है हैंड ब्रेक। ये C5 एयर क्रॉस व्हीकल में ये प्रोसीजर है, इसको इसको ऐसे करके हम टोइंग करके ले सकते हैं।